सलाम ऑन यू, दिस इज़ मी मकबूल अतल्ला, फैशन डिज़ाइनर। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाना यही चाहता हूँ। अभी 1:07 हुआ है और जुमे का दिन शुरू हो चुका है, 5 मार्च की डेट है। तो फुल डे वर्किंग के बाद फिर लेट नाइट को आकर आप लोगों के लिए स्पेशली अपना टाइम, जो रेस्ट टाइम है, उसको ख़त्म करके वीडियो बनाना, अब यूँ समझे जैसे मानो आदत से बन गई है। बट अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग देखते हैं और उसका मुझे फीडबैक मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है कि काम करूं। तो कम टू द पॉइंट, आज हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है 2nd month 8th week, यानी कि 2nd month का लास्ट प्रोजेक्ट है। ये आप देख लें, 2nd month 8th week, ओके। ये हमारी टेक्सटाइल है जो लाइन के बाद एक शेप के तरफ मूव करती है। तो उसमें ये एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप एक फ्लावर है, कुछ पेटल्स हैं, इसको आज हम लोगों ने रेडी करना है। तो ये 25 cm by 25 cm पे है। उसके बाद हमारे पास है जनाब फैशन ड्राइंग, जिसमें फ्रिल स्लीव्स हैं और एयर लाइन फुल स्कर्ट है, स्क्वायर नेक लाइन फ्रंट है और बैकग्राउंड है, जिसके अंदर उसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जो है वो यूज़ किया गया है। इसको भी पेंट करेंगे। उसके बाद इसका पैटर्न है हमारे पास, पैटर्न मेकिंग में वही फ्लेयर कैप स्लीव है हमारे पास, आर्म होल का एंड और फिटिंग का स्टार डॉट है और एयरलाइन फुल स्कर्ट है। तो पैटर्न भी अच्छा है, गुड है। और वाओ, नेचर एक दफ़ा फिर से हमारे पेपर पे प्रिंटेड है। ग्रीन और ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन की टोन्स हैं ये सारे, जिसको हम लोगों ने वर्क करना है। बहुत अच्छे कलर हैं, बहुत ही मज़े का काम है। कलर्स देख के थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो गया हूँ कि बनाना मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी बाकी असाइनमेंट साइड पे करता हूँ, सिर्फ फ्रंट में हम लोग रखते हैं इसको और इसको स्टार्ट करने का तरीका बताते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इसके लिए हमें मटीरियल क्या क्या चाहिए होगा। आए मेरा साथ जी। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस टेक्सटाइल असाइनमेंट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए वो कलर पैलेट जो हम लोगों ने बनाए थे। येलो ग्रीन की कुछ टोन्स यूज़ होंगी, जैसे कि ये वाला कलर है, इनके साथ ये यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रीन की टोन्स हैं जिसमें हम लोग ये इसको अप्लाई करेंगे। अभी ये ड्राई हैं, ये देखें, ड्राई होने के बाद ना इनका इफेक्ट ऐसे हो जाता है, ये बिल्कुल इस तरह क्यूब्स बन जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, इस तरह ये लेयर्स बन जाती हैं। हम इन्हें वेट करेंगे तो ये दोबारा से रेडी हो जाएंगे। और इसके साथ हमें एक और कलर चाहिए जो है दिस वन, लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट, लाइक ब्लू और ब्लू ग्रीन। देखें बिल्कुल मज़े से ये बिल्कुल वो ड्राई हो गया है कलर, अब मेरे हाथ में है तो बड़े मज़े से ये ड्राई हुआ। ये वाला तो बहुत ही मज़े से ड्राई हो गया, इसको देखें, ये लवली शेप आई है इसकी, वाओ। एनी हम बाकी जो है वो कुछ अजीब तरीके से ड्राई हुए हैं, बट ये बहुत अच्छे से हुआ है। जो इस तरह के ड्राई हुए हैं वो हम लोग इसी तरह कलर बनाने के बाद उठा के दूसरे पैलेट में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, बात कहीं और जा रही है। ये हमें कलर चाहिए इसके साथ, और इसके साथ हमें फिल टिप चाहिए, नीम गर्म पानी, वार्म वाटर जो होता है वो चाहिए, टॉयलेट टिश्यू पेपर चाहिए हमें इसके साथ, टाइप ऑफ ब्रशेस चाहिए इसके साथ, और पैलेट चाहिए जिसमें हम लोग इस कलर को बनाएंगे। तो कैसे शुरू करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ। तब तक मैं अपने कलर्स जो हैं उनको थोड़ा सा वेट कर लूँ। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लें जनाब, आप लोग देखें, मैंने जो वाटर कलर्स के साथ, सॉरी पेस्टल, क्या हो गया मुझे रात के इस टाइम, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, फिर से मैं ख़राब करने लगा हूँ। अच्छा, इसमें मैं मतलब आपको बताने जा रहा था कि जो मैंने ये पोस्टर कलर जो है उसके साथ अपने कलर व्हील के लिए कलर बनाए थे, मैंने वो सारी टोन्स निकाल दी, मेरे पास वो भी आ गए और मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक इससे रेलिवेंट हमारे पास जो कलर्स अवेलेबल हैं वो आ गए, जिनमें से दिस वन इसके साथ मैच हो रहा है, दिस वन इसके साथ मैच हो रहा है, और ये ग्रीन जो है वो सारे इसके साथ जा रहे हैं, मतलब इसके थीम के साथ बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं। अगर आपके पास पोस्टर कलर नहीं है तो डबल डेकर वाटर कलर जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें ये सारी फैमिली रेडीमेड अवेलेबल है। बट कोशिश करें कि कलर खुद से जनरेट करें और उसको बनाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कलर्स के साथ उसको खेलना कैसे है। अगर आप रेडीमेड कलर्स लेकर उसके साथ खेलेंगे तो वो फिर फ़ायदा नहीं होगा, वो तो मतलब बिल्कुल एक रेडीमेड चीज़ हो जाएगी। सपोज आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसको
कैसे बनाना है, या आपको मेजर चीज़ उसका जो सीक्रेट्स हैं वो आने चाहिए। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, और स्टार्ट मैं कैसे करने लगा हूँ, मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। मैं अपने कलर्स के जो हैं वो 2 से 3 जो है वो मूड बनाने लगा हूँ, ठीक है। और वो 2 से 3 मूड मैं किस तरह से बनाने लगा हूँ, मुझे लेड पेंसिल चाहिए, लेड पेंसिल मैंने ले ली, ठीक है। अब हमारी टेक्सटाइल जो है वो इस तरह से है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 लीव्स हैं, ठीक है। नंबर 2 इसके अंदर ये जो वेव एब्स्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं, और नंबर 3 इसमें एक फ्लावर है, और 2 हाफ फ्लावर्स हैं। अब हमें इन 3 के लिए 2 कलर्स चाहिए। मैं ये 2 कलर जो से हैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, आई थिंक इनके इस एब्स्ट्रिक्ट्स में, हाँ ये यहाँ ठीक रहेगा। और फिर डार्कर ग्रीन जो है वो मैं इसके रोज़ में यूज़ कर लूँगा, और लाइटर ग्रीन जो है वो मैं इसके लीव्स में यूज़ कर लूँगा। तो इसको अब हम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या शेप आती है। मुझे खुद नहीं पता कैसे बनेगी, लेकिन शुरू करते हैं। आप लोग भी देखें कि मैं इसको किस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। मैंने इन्हीं कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए, जैसे इसका ये साइड्स पे है थोड़ा स्मोकी इफेक्ट, और इसके अंदर जो कलर्स आ रहे हैं उनको यूज़ करते हुए मैंने अपनी टेक्सटाइल्स को जो है वो रेडी किया। ये कलर जो हैं वो यूज़ करने के लिए हमें रेडीमेड कलर यूज़ करने पड़ने थे, इसलिए मैंने इन कलर्स को जो है वो थोड़ा अवॉइड किया, मैंने इनको यूज़ नहीं किया। मैंने यूज़ किया है हमारे अपने बनाए हुए व्हील कलर के जो कलर्स थे उनको सामने रखते हुए मैंने बनाया। अब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, वेट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है, तो ये जब थोड़ा सा वेट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग इसके साथ जो है वो पेंसिल कलर के साथ थोड़ी सी इसको रिदरिंग कर लेंगे, ताकि ये कलर हमारे इस कलर स्टोरी के साथ जो है वो मैच हो जाए। तो अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, तो इंशाल्लाह कल फैशन ड्राइंग की क्लास में मैं इसको जो है वो या पेस्टल के साथ या पेंसिल कलर के साथ जो है वो मर्ज करके आपको दिखाऊंगा। तब तक पहले कि हम इसको ड्राई करते हैं, ऐसे रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ में दोबारा हाज़िर हूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।